नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। सावन का महीना है, इस महीने में तीज और त्यौहार बहुत आते हैं, हरियाली तीज जैसे रक्षाबंधन, तो उन्हीं त्यौहारों के लिए हम कर रहे हैं आज एक बहुत ही मिठाई मीठी स्वीडिश तैयार, मूंग दाल के खोए वाले पुए। तो ये दाल ली थी मैंने, इसे 2-3 घंटे भिगो दिया था। ज़्यादा भी भिगो देते हैं तो कोई बात नहीं है, उतनी जल्दी पसाई हो जाएगी। और इसे मैंने स्ट्रेनर में डालकर इसका जिस पानी में भिगोया था वो पानी अच्छी तरह निकाल दिया, यानी कि स्ट्रेन कर लिया है। और अब मैं इसे एक मिक्सी के कंटेनर में डाल दूंगी। ये दाल मैंने आधा कप ली थी, जब भिगोई थी तब आधा कप थी, और फूल करके ये दाल डबल हो गई है। तो अब मैं इसे हम पिसाई करेंगे, बारीक दूध डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि खोए वाले पुए बना रहे हैं, पहले इतना दूध डाल के पिसाई करते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह दाल को आधा कप दाल ली थी तो आधा कप ही मैं इसमें आटा मिलाऊंगी, इसलिए इसमें मिला रही हूँ ताकि अच्छी तरह जब हम पीसते हैं तो मिक्स हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेगी। जितनी दाल लेनी है उतना ही हमको आटा लेना है, गेहूं का आटा जिसे पंजाब में कनक का आटा कहा जाता है। हाँ, एक बात और, मैं तो इसमें केवड़ा मिलाऊंगी स्मेल के लिए। अगर आपने थोड़ा मॉडर्न टच देना है तो आप इसमें जो वनीला एसेंस वाला कस्टर्ड पाउडर रहता है वो 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलर भी थोड़ा पीलापन लिए होता है। मैं कस्टर्ड पाउडर के बिना बनाऊंगी, उससे बहुत अच्छे दाल के मालपुए खोए वाले बनते हैं। आटा मैंने इसलिए मिला दिया था क्योंकि वो एक जान हो जाएगा, अगर हम बीच में मिलाते हैं ना तो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो अब जो हमारी दाल है बिल्कुल अच्छी तरह पिस गई है, तो इसे हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। पहले सभी चीज़ें इधर कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आटे के कारण ये काफ़ी पेस्ट है जो हमारा थिक हो गया है, बाद में दूध मिलाकर और खोआ मिलाकर ही इसे पतला करेंगे। सारा पेस्ट मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह पेस्ट बन गई थी, ठीक है जी। अब मैं इसमें दूध डालकर इसके निकाल लूँगी, क्योंकि हमारा कोई भी मटेरियल है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आधा कप हमने दाल भिगोई थी ना, वो ले ली थी भिगी हुई स्ट्रेन करके, और आधा कप लिया था आटा, उन दोनों चीज़ों को दूध डालकर हमने महीन पीस लिया था। तो दूध कितना लेना है, 1 कप। 1 कप से थोड़ा कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, वो आटे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आटा चोकर जो युक्त है या ज़्यादा महीन पीसा हो तो 2-4 चम्मच 1/4 कप भी लग सकता है कि वो मतलब के कितना हमारा सोखता है दूध। तो अब जो मैं दूध मैंने अब तक तो 1 कप लिया है, फिर देखेंगे और कितना लगता है। ये मैंने 125 ग्राम खोआ लिया है, इसे भी मैं बीच में ही मिक्स कर लूँगी। कई बार हाँ, खोआ भी होता है ना दूध वाला, हम बाज़ार से लेते हैं उसमें दूध रहता है, कई बार सूखा सूखा होता है, बिल्कुल दूध जला हुआ होता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है दूध की जो क्वान्टिटी है कि हमें कितना दूध चाहिए। अभी तीनों चीज़ों को, खोआ, दाल और गेहूं का आटा, दूध डालकर हमें इसे अच्छी तरह से इसका बैटर बना लेंगे। तो ठीक है, अब मैं बैटर तैयार करी हूँ अपना पुओं के लिए। तो ये दूध डाल के मैंने कंटेनर में भी डाल दिया था ताकि हमारा जो बैटर है वो बकार ना जाए दाल वाला, इसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अच्छा जी, अब ये वाला दूध हम देखते हैं, वैसे तो दिखाई दे रहा है, देखने में भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हमारा जो बैटर है वो काफ़ी थिक है, फिर भी हम देख देख कर ही दूध डालेंगे। ये पुए बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जब हम खोए के मैदे के साथ पुए बनाते हैं तो
मैदे के कंपैरेटिवली टेस्टी वो भी बनते हैं, परंतु मैदे के कंपैरेटिवली ज़्यादा हेल्दी होते हैं, प्रोटीन रिच होती हैं दालें, और इसमें गेहूं के आटे का प्रयोग किया है तो ये फाइबर रिच रहते हैं। तो सारा दूध खप जाएगा, मैं सारा दूध डाल देती हूँ। और फिर क्या करूँगी, इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट तक रखेंगे, ताकि जो हमारा पुओं का बैटर है वो अच्छी तरह सेट हो जाए और फूल जाए। अगर फिर आपका कहीं, मैं एक और भी टिप दे देती हूँ, कई बार आपका दूध ज़्यादा पड़ जाए, पतला हो जाए, तो आप या तो आटा मिला सकते हैं, या सूजी और बेसन भी मिला सकते हैं, एक दो चम्मच अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो पहले आप धीरे धीरे करके ही डालिए, क्योंकि अब अगर हम आटा वगैरह ज़्यादा मिलाते जाएंगे तो हमारा बैटर भी तो क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर इतने पुए क्या करेंगे। तो आप धीरे धीरे ही दूध को ऐड करिए। देखिए अब मेरे को पता है कि ठीक है, फिर भी मैंने बाद में मिलाऊंगी जब ये सेट हो जाएगा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। पतला नहीं रहना चाहिए, पतला होगा तो हमारे पुए हैं वो बिखर जाएंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे, गाढ़ा होगा तो मोटे बनेंगे। बस अब मैं इन बैटर को 15 से 20 मिनट तक ढककर रखूंगी। जितने समय के लिए हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है उसी दौरान हम अपना सिरप तैयार कर लेते हैं। इधर हम एक कढ़ाई में इसलिए लेती हूँ कि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए किस प्रकार से लेना है। जैसे आधा कप आटा था, आधा कप दाल था, तो पूरा एक कप हो गया ना, तो जो सिरप है हम उससे ज़्यादा बनाते हैं, सवा या डेढ़ कप चीनी लेते हैं, ताकि हमारे पुहों की जो मतलब कि कम ना पड़े सिरप चाशनी। तो अब हम जितनी चीनी लेते हैं उतना ही हमें पानी लेना होता है, और जो चीज चाशनी बनती है जितनी तो हमारे काम आ जाएगी, ठीक है, और बाकी की हम क्या करते हैं किसी और प्रयोग में ले लेते हैं, या इसे आप सुखाकर तगार भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चीनी के बराबर की हमें पानी लेना होता है, उतना ही हमें पानी लेना होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, और इसे हम घुलने तक करेंगे बॉइल। पहले तो जहाँ कि जब ये मेल्ट हो जाएगी, यानी कि अच्छी तरह घुल जाएगी, तब फिर बताऊंगी किस प्रकार की आपको रखनी है। अब जो चीनी और पानी चढ़ा रही है, इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी कूटकर छोटी इलायची, 2-3 छोटी इलायची भी आप डाल दीजिए, इससे खुशबू बहुत बढ़िया आती है। हमारे जो अच्छे बनते हैं पुए, जब हम इसमें सिर्फ में इलायची वगैरह डाल देते हैं। हाँ, एक बार और आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। जे मैंने केसर एक पहले और रेसिपी में घोल कर रखा था, तो मैं वही केसर इसमें मिला रही हूँ। मैंने और रेसिपी बनाई थी तो मैंने फ्रिज में एज इट इज़ रख दिया था। तो देखिए थोड़े से केसर के धागे भी हैं इसमें, मैं जे वाला केसर मिला रही हूँ। इससे खुशबू भी बढ़ जाती है, और मतलब के सेहत के लिए हेल्दी भी होता है, और कलर भी आ जाता है हल्का सा। मैं बहुत कम मिला रही हूँ। तो इस प्रकार से इधर हम सिरप तैयार करते हैं, उधर हम अपने बैटर को देखेंगे। तो और भी मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि क्या क्या मेरे को चाहिए। केसर हम जे पिस्ता की कतरन है, जे बादाम की लंबी लेंथ वाइज कटी हुई कतरन है, जे सौंफ थोड़ा सा मामूली सा टच देना है हमने सौंफ का, जे बैटर में ही ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना होता, क्योंकि हम पंजाबी पुए तो नहीं बना रहे ना, उसमें तो हम काफ़ी डालते हैं पंजाबी पुओं में। देखिए हमारा बैटर धीरे धीरे सेट हो रहा है, अभी और इसमें 5-10 मिनट लगेंगे, इतने हमारा जो सिरप है वो तैयार हो जाएगा। इसे पहले घुलने देते हैं, फिर बताती हूँ आगे क्या प्रोसेस करना है। तो इधर मैं थोड़े से केसर के जो धागे हैं, स्ट्रिंग्स हैं, वो इसमें भी रख लूँगी। अब हम गार्निशिंग करेंगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं जब केसर के पुओं के ऊपर कलर आता है। थोड़े से मैं इसे दूध में डालकर रख लूँगी, बहुत अच्छी लुक आती है, खाने को बरबस मन खींचता है कि हम इसका प्रयोग करें। इसमें दूध डाल दूंगी तो ये बहुत अच्छे दिखाई देंगे। जो मैंने कंटेनर धोकर ही रखा था, जो दूध वाला पानी है इसमें जो अपना कलर भी छोड़ देंगे जब हमें चाहिए होंगे, ठीक है। इसे घुलने देते हैं, फिर हम इधर क्या करते हैं, ये इस प्रकार की फ्लैट कोई भी अगर आपके पास, पंजाब में तो इसे तभी बोला जाता है, मेरे को पता नहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसे क्या बोलते हैं, फ्लैट जो लोहे की रहती है, काफ़ी हैवी होती है,
यानी के वजन में। तो अगर आपके पास जैन है तो कोई फ्लैट पैन ले लीजिए, उसमें बनाइए। उसमें कई बार में एक ही साथ कई कई जो मालपुए हैं, खोए वाले पुए हमारे सीख जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हमने ऑयल का टेम्परेचर कैसा रखना है, फ्लेम कैसी रखनी है। अदरवाइज़ ये बहुत आसान है, बस ये नोट कर लीजिए। जैसे हमने ऑयल डाल लिया, आप घी में भी बना सकते हैं। घी में तो बात ही कुछ अलग होती है, तो शुद्ध घी में तो खुशबू अरोमा जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मतलब की रहता है। तो इस प्रकार आप इसमें ऑयल गर्म कीजिए। जो ऑयल का टेम्परेचर है वो मीडियम रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पता है अगर ज़्यादा गर्म होगा, इसमें खोया है, दूध है, मूंग दाल है, वो एकदम से ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे कच्चे से रहेंगे, टेस्टी नहीं बनेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना पड़ता, ज़्यादा डालने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ सरफेस को कवर करें। वो एक साइड पे हो रहा है इसलिए मेरे को ज़्यादा डालना पड़ा, पता नहीं क्या बात है। हाँ अब ठीक है। तो बस इधर हम ऑयल को बिल्कुल कम आंच पे कर देती हैं, नहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे सिरप में थोड़ी कमी है बनने में। जब चीनी घुल जाएगी तो मैं बताऊंगी कि कैसा आपको रखना है। तार बार कुछ नहीं बनाना, जैसे शहद होता है ना, थोड़ा हाथ पे लेके देख लेंगे, चिपचिपा सा होना चाहिए। वैसे ऐसे हाथ को भी चिपचिपा लग रहा है तो इट मीन्स तैयार है। तार बार नहीं बनानी होती जब हम खोए वाले पुए बनाते हैं। इससे पहले भी मेरे खोए वाले मैदे के साथ पुए बने हैं, जो कि बेहद सॉफ्ट बनते हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। वो मैं पिछले साल तीज स्पेशल के नाम से, टाइटल के नाम से हमने वीडियो पब्लिश की थी। हम अपने बैटर को देखते हैं, इधर ऑयल भी गर्म हो रहा है तो उधर सिरप भी बन रहा है। तो बैटर काफ़ी थिक है, जैसा हमें चाहिए उस तरह का नहीं है। तो इसे जो मैंने कंटेनर धोया था, वो वाला दूध वाला और जिसमें हमने पसाई की थी, वो वाला सारा पानी डाल दिया है। अगर आपको मतलब कि इसमें पानी भी मिला सकते हैं, क्योंकि खोया है, दूध है, नहीं दूध भी सिर्फ दूध में भी बना मिला सकते हैं, और दूध और पानी दोनों भी मिक्स कर सकते हैं। और दूध में मिलाएंगे तो नेचुरल बात है कि ज़्यादा ही टेस्टी बनेंगे। उधर पहले हम सिर्फ देख लें कहीं ज़्यादा ना गाढ़ा हो जाए। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा, थिक होगा तो वो मतलब बीच में नहीं जाएगा। एक दो बॉयल और आने देते हैं अभी इसे, और इधर इसको देखते हैं कि अभी कितना और इसे पतला करना है हमारे बैटर को हमें। हाँ, अगर तो आप ऐसे ऑर्डनरी तीज त्यौहार पे बना रहे हैं तो आप इसमें एक चुटकी नमक भी डालकर रख दीजिए। अगर आप व्रत वगैरह भी बना रहे हैं तो नमक का सेवन निषेध होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो हम केक में ऐड करते हैं वो मिला लीजिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे रहते हैं ना पुए खोए वाले, वो फूले फूले से बनते हैं। देखिए इतना मैंने मिला लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही मिलाया है, ये फूलने के लिए होता है। ओहो ज़्यादा लग गया, अब मैं ऊपर से निकाल देती हूँ। बातों ही बातों में पता नहीं चला मेरे को भी, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, थोड़ा ही डालना है हमें। मैंने कहा चलो मैं हाथ से, मेरे को अंदाजा रहता है, पर आप भी कभी ऐसा मत कीजिएगा। इतना डालना है, आधा से, जैसे आधा ले लें उससे थोड़ा सा कम। जो बेकिंग पाउडर होता है वो फुलाने के लिए होता है, मीठा सोडा सॉफ्ट करता है, क्रंची बनाता है। इस प्रकार से इसे भी मिक्स कर लेंगे। जब हमने पूरे तल लिए ना तभी डालना है इसे। नमक को पहले डालकर रख दीजिए जब रेस्ट पे रखते हैं। ये बिल्कुल पोरिंग भी नहीं होना चाहिए कि हमें ऐसा धार बन के गिरे, ऐसा भी नहीं, थक्के से भी नहीं गिरना चाहिए। हम पता है क्या करते हैं, जब बनाते हैं ना तो थोड़ा पहले डाल कर देख लेते हैं। अगर लगता है कि ये मोटे मोटे बन रहे हैं या फैल रहे हैं तो उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं पानी की मात्रा। तो एक दूध की भी तो एक कप से थोड़ा सा, यानी कि 1/4 कप मेरे को इसमें लगा है पानी और दूध, सॉरी मैंने थोड़ा पानी भी डाला ना इसलिए बारी बारी मुंह में पानी निकल रहा है। मिक्सी में जो कंटेनर था मैंने पानी के साथ धोकर रख लिया था। अब हम करते हैं गैस का बर्नर ऑन। तो पहले थोड़ा सा ड्रॉप डालकर देखेंगे कि किस प्रकार से सिर्फ तैयार हो गया है। तो देखिए
इस प्रकार से जो हाथों के छूने पर चिपचिपा लग रहा है। तो अगर आपके पास कभी पानी भूल से ज़्यादा भी हो जाता है तो उतना आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, गब मतलब कि चिपचिपा होने तक। ऐसा बात नहीं है कि आपका सिर्फ ख़राब हो गया अगर ज़्यादा पानी डल गया, कम डल गया तो जल्दी बन जाएगी चाशनी, परंतु वो पता क्या होगा, उससे चाशनी की मात्रा कम होगी आपकी, वो कम पड़ जाएगी। गर्म गर्म में पूरे हमने डालने होते हैं। पहले हम एक ड्रॉप डालकर ट्राई करेंगे कि किस प्रकार के हमारे पूए बन रहे हैं। और ऑयल मतलब रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक गर्म हुआ है कि नहीं, ये डालते ही ऊपर आ गया है, तो मैं कांच को एक बार और कम कर दूंगी तो फैल भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा बैटर है बिल्कुल अच्छा है, देखिए फैला नहीं है ना, तो इससे अंदाजा लग जाता है हमें कि कितना थिक ये रखना है। तो आप देख लीजिए कितना मेरा थिक है, बस इस प्रकार से गिरा है, ठीक है। ये पूए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खोया की कहीं कोई गांठ वगैरह ना रह जाए, अच्छी तरह आप इस पे चम्मच से कर लीजिए, ठीक है। तो मैं एक आपको ट्राई भी करके दिखाती हूँ कि ऐसे चाशनी में डाल के, देखिए जो ड्रॉप डाला था हमने, ड्रॉप को निकाल देते हैं बाहर। तो लीजिए हूँ आप, हम अपने पूए सेकेंगे, बस ये अपने आप ही गोल शेप ले लेते हैं, आपको बस धीरे से इसमें डालना होता है। छोटे छोटे पूए अच्छे लगते हैं, और देखिए ऐसे अपने आप ही शेप ले लेते हैं जी, बस एक ऐसे मैं गिरा देती हूँ। एक बार में हमारे चार पूए सीख गए हैं। आंच को कम रखना है, अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो कलर भी ख़राब हो जाता है। हाँ, इसे ज़बरदस्ती उठाना नहीं है, ये अपने आप खुद ब खुद ऊपर हो जाते हैं, जब जो सीख जाते हैं नीचे से तो ऊपर तैर कर जैसे आ जाते हैं, ऐसे हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जो नीचे से सीखे नहीं है, ये सीख गया है तो ये देखिए अपने आप उठ रहा है। बस इन्हीं टिप्स को आपको फॉलो करना होता है, फिर सवाल ही नहीं उठता कि आपकी कोई डिश है जो भी आप रेसिपी देखते हैं वो ख़राब हो जाए। देखिए मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया, अपने आप ये उठ गया है, कलर भी कितना सुंदर आया है इसका। ये सेहत के लिए हेल्दी है, इसमें ना मैदा है ना सूजी है। हाँ, अगर आपके पतला रह जाए तो आप थोड़ा, मैंने बता दिया कि और आटा वगैरह डाल लें। अभी वो वाले जो दो हैं वो नीचे से अच्छी तरह सीके नहीं हैं। अगर आपने तेल वगैरह पैन में कम डालते हो ना, इसे चम्मच से ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि फिर ही ये ऊपर से भी पक जाएगा ना, जब ऊपर से सीख जाता है। इधर हम इन पूड़ों को देखते हैं कहीं ये ज़्यादा ना सीख जाएं। खोए वाले ये पूड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इस सावन में अगर आप और तरह के बनाते हो तो मेरे बनाए हुए पूड़े ज़रूर ट्राई करें, इसी प्रकार फॉलो करते हो, और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी टेस्ट में कैसी लगती है, बनाने में तो नहीं कोई दिक्कत आती। तो अब मेरा फ़ोन नंबर भी रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको कोई असुविधा होती है बनाने में रेसिपीज़ को तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। देखिए दोनों ओर से बहुत बढ़िया कलर आया है। तो अब हम इस एक्सेस ऑयल को इस प्रकार से निकाल देंगे, जो भी घी तेल ऑयल आप, तो और इंस्टेंटली आप गर्म गर्म सिरप में डालते जाएंगे तो तभी ये मतलब के सिरप को सोख पाएंगे, अंदर तक सिर्प इसमें समा जाएगा, ठीक है। अब उन पूड़ों को देखते बस। तो इसी प्रकार मैंने दो तो निकाल के दिखा दिए, ये अभी सीख रही हैं, तो मैं बाकी के जो बैटर है उसके भी इसी प्रकार से जो अपने खोए वाले पूए डाल के वो सेक लूँगी, ठीक है। सभी पूए हम इसी प्रकार से सेक लेंगे। बस इतने ही आएंगे क्योंकि दो पहले वाले भी सीख रहे हैं,
बहुत अच्छे बने हैं, कलर भी अच्छा आया और बहुत अच्छे सीखे हैं दोनों तरफ से। बस आंच को कम रखना है, तेज आंच पे नहीं आपको सेकनी है। तेल को अच्छी तरह निकाल दीजिए और जो पहले वाले पूड़े हैं वो डालते ही अपने सिरप को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आप किसी छल्ली में इसे निकालते हैं ये तो वो ठीक रहता है। साथ ही साथ मैं आपको बताती दिखाती हूँ, इस प्रकार से आप एक छल्ली में निकालते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने सिरप पी लिया है, ऊपर ग्लेज भी आ जाती है, एक शाइनिंग सी आ जाती है। तो बाकी के भी मैं इसी प्रकार से निकाल कर डालती जाऊँगी, फिर गार्निशिंग आपको सिखाऊँगी कि किस प्रकार से आपको गार्निशिंग करनी है। अभी मैं ऑर्न बना लूँ, थोड़े से ऑयल गर्म है तो फिर मैं बताऊँगी कि किस प्रकार से आपको गार्निशिंग वगैरह करनी है, सर्व किस प्रकार से करना है। सारे हमने वैसे सेक लिए, तो इधर हम थोड़ा सा आपको गार्निशिंग तरीका बता रहे हैं। आप रोज़ वाटर या केवड़ा, जो मेरे पास केवड़ा बॉटर है, या तो सिर्फ में डाल लीजिए, मैंने सिर्फ में इसलिए नहीं डाला वो सिर्फ कई काम आ जाता है हमारे, तो आप थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए इसके ऊपर, बस थोड़ी सी स्मेल ही आनी चाहिए अच्छी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे गार्निशिंग। अगर आपके पास ये इस प्रकार का चांदी का बोलते हैं वर्क, पंजाब में तो मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, आपके वहाँ सिल्वर पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बहुत हल्का होता है, हाथ में भी लग जाता है, टैकल करना इसे थोड़ा मुश्किल होता है। आ देखियो हवा चल रही है ना, तो उसी वजह से कितना हिल रहा है। इसे टैकल करना बहुत मुश्किल काम होता है, जैसे बर्फी वगैरह होती है फिर तो हम आसानी से इस प्रकार से लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने अपने पुओं पर लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने केसर घोल के रखा था ना, उसको भी इसके ऊपर ऐसे इस प्रकार से हाथ से लगा दूँगी, थोड़ा अच्छा लुक आता है और केसर का फ्रेग्रेंस भी रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, फिर काम आ जाएगा। तो अब जो बादाम और हमारे जे मैंने मग्स भी लिए हैं थोड़े से, उन्हें भी इस प्रकार से लगा देंगे, कटे हुए बादाम हैं मेरे पास, ठीक है जी। ये पिस्ता की कतरन है, ग्रीन अच्छी लगती है, सबसे बड़ी बात है इसमें दालें हैं, प्रोटीन रिच हैं जे, तो आप इस प्रकार से जे एक बार ज़रूर मेरे कहने पर तीज पे ट्राई कीजिए और फिर मेरे को बताएं कि आपको कैसे लगे। तो लीजिए हमारे जो पुए हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं, तो आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से मेरी इस रेसिपी को, धुली हुई मूंग दाल के खोए वाले पुओं की रेसिपी को ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।